वीरेंद्र सिंह, सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। आज हम लोग हैं डॉक्टर अंबेडकर एकेडमी मसौटा। आज यहाँ जो सिविल सर्विसेज के लिए एसएससी के और बाकी सारे एग्जाम्स के लिए एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है, यहाँ करीब 700-800 बच्चे आए हुए हैं एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए। इंडिया के पूरे सब जगह से आए हुए हैं। अभी टेस्ट चल रहा है उनका, रिटन टेस्ट हो रहा है, इसके बाद 1:30 बजे से इंटरव्यू होगा। यहाँ करीब 50 सीट्स हैं, जो 50 बच्चे यहाँ रहेंगे, इनका रहना खाना सब कुछ और पढ़ाई वगैरह फ्री है, सब कुछ इसके लिए। तो टेस्ट हो रहा है और ये शुरू हुआ था जब से, ये शायद 9वां या 10वां बैच होगा और करीब 40-50 बच्चे यहाँ से सेलेक्ट भी हो चुके हैं अलग अलग एग्जाम में, कोई पुलिस में, बैंक में, रेलवे में, और यहाँ तक के इसे सिविल सर्विसेज के लिए भी क्वालिफाई किए हैं, पीसीएस के लिए भी क्वालिफाई किए हैं 1-2 बच्चे। तो यहाँ ये सब कुछ फ्री है, डॉक्टर अंबेडकर एकेडमी मसौटा। ये आप दिखाएंगे जरा, यहाँ बोर्ड लगा हुआ, बहुत सारे कमरे, यहाँ रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, मैस है, खेलने की व्यवस्था है, सारी व्यवस्था यहाँ है, हॉल है, लाइब्रेरी है पढ़ने के लिए, पूरा सिस्टम लगा हुआ है यहाँ पढ़ाई के लिए, हॉल है बहुत बड़ा और लाइब्रेरी है, सारी बुक्स हैं, यहाँ रहने की सुविधा है। और यहाँ हर साल ये टेस्ट होता है, साल में एक बार जो बैच आते हैं, और इस बार तो करीब 1200 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें मौसम खराब होने के बावजूद भी करीब 600-700 बच्चे यहाँ आए हैं, वो टेस्ट दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये जो डॉक्टर अंबेडकर एकेडमी है, ये पे बैक टू सोसाइटी के कंसेप्ट पर काम करता है, मिशन पे बैक टू सोसाइटी के। हमारी जिम्मेदारी है पढ़े लिखे लोगों की, जिन्होंने समाज का फायदा लिया है वो कुछ समाज को पे बैक करें। तो सारे हमारे जितने भी हैं बुद्धिजीवी, अधिकारी, रिटायर्ड, वर्किंग, सब इसमें अपना अपना सहयोग करते हैं। तो राम प्रसाद जी, सॉरी टाइम हो गया सर, सर जय भीम, टाइम हो गया सर, टाइम हो गया।